लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय मंगलवार को दिल्ली से रायपुर लौटे। रायपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने विकास उपाध्याय का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि वे पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। विरोधी जमकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मंशा में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस भारी मतों से चुनाव जीतेगी। उपाध्याय रायपुर लौट चुके हैं, उनसे ही हम सीधे बात कर लेते हैं। आप कहीं ना कहीं जो है रायपुर लोकसभा की इस बड़ी चुनौती में कांग्रेस पार्टी ने मेरा विश्वास किया है और एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक छोटे से सिपाही को रायपुर लोकसभा का टिकट देकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी और बहुत बड़ा विश्वास किया है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये जितने लोग आए हैं ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और कांग्रेस का कार्यकर्ता जब उसको कोई चीज सम्मान मिलता है, कोई बड़ी चीज मिलती है, तो कार्यकर्ता खुश होता है। हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ तो लड़ाई जनता की है। जनता को न्याय दिलाना है, महंगाई से न्याय, बेरोजगारी से न्याय, महिला बहनों पर अत्याचार से न्याय। और रायपुर राजधानी के इस लोकसभा में किस प्रकार से 35 साल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, क्या मूलभूत समस्या, क्या बेसिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या केंद्र की सबसे बड़ी सभा में बैठ कर वो क्या छत्तीसगढ़ के हितों की बात कर रहे हैं। ट्रेनें लगातार बंद हो रही है, यहाँ तमाम प्रकार की चीजें हैं। कोई एम्स, एक एम्स का अस्पताल कांग्रेस पार्टी ने लाया था। यहाँ जनसंख्या के हिसाब से केंद्रीय स्कूल की बात है, महंगाई, पेट्रोल डीजल पर बात करना है, इन तमाम चीजों पर कांग्रेस पार्टी बात करेगी। और हम जनता के बीच में जाकर उन लोगों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। भाजपा ने बड़े रणनीतिकार और अजय योद्धा ब्रजमोहन को उतारा आपके सामने। देखिए, यही जनता ने विश्वास किया और यही जनता बनाई है। यही जनता बिगाड़ेगी भी, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया नहीं। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत घमंड में है, तो घमंड तो रावण का भी चूर हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अभी समय आएगा आपको पता चलेगा। टिकट वापस करने गए हैं, ऐसी अफवाह भी उड़ी थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी का टूल है। टिकट एक्चुअल में वापिस करने वाले वो थे, बहुत मेहनत की, बहुत अप्रोच लगाई, उनकी टिकट वापिस नहीं हुई। उनको राज्य की राजनीति करना है, उनको देश की राजनीति में झोंकने का काम किया है। वो सब लोग जानते हैं कौन टिकट वापस करने गया था। मैंने आपको कहा, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कांग्रेस की 35 सीट डिक्लेयर हुई है फर्स्ट लिस्ट में। उस 35 लिस्ट में जिसमें राहुल गांधी जी का नाम है, जिसमें वेणुगोपाल जी का नाम है, जिसमें भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज साहू जी का नाम है, उस सूची में विकास उपाध्याय का भी नाम है। किसान और महिलाएं बड़ा मुद्दा है, महातारी वंदन योजना लागू हो गई, कितनी चुनौती रहेगी कांग्रेस? देखिए, एक तरफ जलाना और फिर मरहम लगाना। एक तरफ महंगाई को इतना कर दिया कि एक घर की आय हर महीने की 5-7 हजार उसकी आय होती है, लेकिन खर्चा 10-12 हजार 15 हजार है। विकास उपाध्याय जनता साफ कहना है कि कांग्रेस यहां से जीत कर आएगी और जनता जो है भाजपा के बहकावे में नहीं आएगी। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर।